नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। सुशांत केस पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुशांत के परिवार से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई सुशांत के पिता, उनके जीजा ओपी सिंह से पूछताछ करेगी। इसके साथ ही सुशांत की बहन मीतू सिंह और प्रियंका से भी पूछताछ करेगी सीबीआई, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि मीतू सिंह ही उनकी, सुशांत की बहन, जो रिया चक्रवर्ती के जाने के बाद यानी 8 तारीख से 12 तारीख तक सुशांत के साथ रहती हैं, और ऐसे में मेंटल स्थिति सुशांत की उस वक्त कैसी रहती है और सुशांत ने क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीजें मीतू सिंह यानी अपनी बहन से शेयर की, उन सबको खंगालने की कोशिश सीबीआई करेगी। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि एक तरफ तो रिया और रिया के परिवार से पूछताछ हो रही है, सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई अब इस चीज के लिए तैयार है कि सुशांत के पिता और उनके जीजा ओपी सिंह से पूछताछ की जाए। इसके साथ ही सुशांत की बहन मीतू सिंह और प्रियंका से भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है। मीतू सिंह से बहुत बड़े और अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि मीतू सिंह ही उस दौर में यानी 8 तारीख से 12 तारीख तक सुशांत के साथ थी। क्या सुशांत ने इस बात का जिक्र मीतू सिंह से किया कि रिया और उनके बीच किस बात को लेकर लड़ाई हुई, और रिया आखिरकार को 8 तारीख को घर छोड़कर क्यों चली गई थी? क्या सुशांत ने उसके बाद रिया को मनाने की कोशिश की या नहीं की? ये तमाम खुलासे मीतू सिंह कर सकती हैं, और इसीलिए अब सीबीआई मीतू सिंह और प्रियंका से पूछताछ करेगी। कुछ खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुंबई से दिवाकर सिंह, अरुण सिंह मुंबई से ही हैं, और अभिषेक पांडे डीआरडीओ गेस्ट हाउस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इन सभी का रुख करें उससे पहले बता दें, कल 11 बजे की बात सामने आ रही है। अरुण, कोई जानकारी अब तक कि आखिरकार कब परिवार के लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? देखिए, बड़ी बात यह है कि खुद रिया चक्रवर्ती ने भी जब उनसे सवाल कर रही थी सीबीआई, तब उनसे ये कहा था कि आपको इन सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाऊं। अभिषेक के पास इस खबर को लेकर कोई अपडेट है? अभिषेक, क्या अपडेट? देखिए, कल 11 बजे की बातचीत सामने आ रही है कि 11 बजे मीतू सिंह को यहां पर बुलाया गया है और उनसे पूछताछ हो सकती है। साथ ही साथ इसके अलावा दो बेहद अहम पार्ट, खासकर प्रियंका और मीतू, प्रियंका को लेकर के लगातार बातचीत के दौरान सीबीआई को उन्होंने बताया कि प्रियंका के साथ कई बार झगड़े हुए या सुशांत के साथ रिश्तों में खरास आई, पैसे को लेकर के तमाम सारी चीजें सामने आई, जिसको लेकर के प्रियंका से पूछताछ करेगी। साथ ही साथ मीतू सिंह, जो कि उसके बाद 8 को जब रिया उनके घर छोड़कर चली गई थी, उसके बाद से मीतू सिंह उनके साथ थी और उनके साथ संपर्क में थी, उनसे पूछताछ होगी। साथ ही साथ दो अहम और किरदार इसमें, सुशांत के पिता ओपी सिंह, जिस तरीके से उन्होंने तमाम सारे मैसेजेस भेजे हैं, खास करके श्रुति मोदी को और रिया को, उनसे पूछताछ सीबीआई करेगी, उस मैसेज के बारे में डिटेल जानेगी। और तीसरा अहम किरदार एक और है, वो है जीजा, क्योंकि फरवरी में जब दहिया थे डीसीपी यहां पर, तो उनसे उनको मैसेज भेजा गया था, उनकी तरफ से मैसेज भेजा गया था इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए। यानी साफ है कि चार जो अहम लोग हैं जो लगातार इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहीं ना कहीं इर्द गिर्द जिनका कैरेक्टर घूम रहा है, उन सारे कैरेक्टर से पूछताछ करेगी, ताकि जो क्रॉस वेरिफिकेशन या क्रॉस जिस तरीके से एग्जामिन किया जाएगा, उसमें उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे कि आखिर उस समय उनके पास तक जानकारी क्या आई थी और किस बात को लेकर उन्होंने पूछताछ की थी या तमाम सारे मैसेजेस भेजे थे। इन सारी चीजों को लेकर के सीबीआई बेहद, अब एक पक्ष सुनने के बाद अब सीबीआई की कोशिश है कि दूसरे पक्ष के जरिए ये पूछताछ की जाए, ताकि दोनों को क्रॉस वेरिफिकेशन करा के ये क्लियर किया जा सके कि आखिर इसमें कौन सच्चा है और कौन झूठा है, और सीबीआई इस पर निष्कर्ष पे पहुंच सके। और यही वजह है कि सीबीआई अपनी जांच में अब एक पक्ष यानी रिया का पक्ष सुनने के बाद अब दूसरा पक्ष यानी सुशांत के परिवार के भी बयान दर्ज करेगी, और उसके लिए धीरे धीरे सीबीआई की टीम समन कर रही है और सुशांत के रिलेटिव्स को बुलाना शुरू कर रही है। दिवाकर, आपके पास इस खबर को लेकर कोई जानकारी? देखिए अर्पिता, कल सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने ये खुलासा किया था कि जब रिया चक्रवर्ती 8 जून को करीब 11 बजे के आसपास घर छोड़कर चली गई थी, उसके बाद मीतू सिंह जो है सुशांत के घर पहुंची थी और लगभग 4 दिनों तक रही थी, तो सीबीआई मीतू सिंह से ये जानना चाहती है क्या सुशांत ने उस दौरान जो है उनसे किसी समस्या के बारे में शेयर किया था, जो है तमाम जानकारी, या फिर उनकी मेंटल स्थिति उस समय किस प्रकार की थी, क्या इस पूरे मामले में सुशांत कहीं डिप्रेशन में दिख रहे थे। ये तमाम सवाल अब जो है सीबीआई सुशांत की बहन मीतू सिंह से करना चाहती, जो कि मुंबई के गोरेगांव इलाके में रहती है, रजनीगंधा अपार्टमेंट में, वहां पर वो समन भेज दिया गया है सीबीआई के द्वारा, और उन्हें कल 11 बजे इसी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में
बुलाया गया है कि सीबीआई उनसे तमाम और जानकारी लेना चाहती है, क्योंकि मीतू सिंह का लगातार सुशांत के घर आना जाना था। तो ऐसे में क्या उन्हें लगता था कि उनका भाई जो है किसी डिप्रेशन में है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम में है? रिया चक्रवर्ती को लेकर किस तरह से ब्रेकअप हुआ, क्या असली वजह है, क्या सुशांत ने उन्हें बताया, ये तमाम जानकारी जो है अब सीबीआई उनकी बहन से लेगी। तो जाहिर तौर पर ये तो कल ही माना जा रहा था जब सिद्धार्थ पिठानी ने खुद सीबीआई के सामने ये खुलासा किया था कि 12 तारीख तक मीतू सिंह उनके घर में मौजूद थी, उसके बाद अपने घर चली गई थी और उसके दो दिन बाद सुशांत ने सुसाइड कर लिया था। हालांकि सिद्धार्थ पिठानी ने यह भी बताया था कि 13 जून जो तारीख थी उस दिन सुशांत ने सारे बिलों का भुगतान किया था और उसके बाद रात का डिनर भी उन्होंने नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं 13 जून से ही वो लक्षण दिखने लगे थे कि सुशांत सिंह राजपूत किसी परेशानी में थे और किसी डिप्रेशन की वजह से जो है उन्होंने 14 जून है उस दिन उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। ये तमाम सवाल हैं जो सीबीआई जो है मीतू सिंह से करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसके बाद ही वो एंगल क्लियर होगा। दिवाकर आप रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होगी जिस तरीके से सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है। परिवार वालों की राय यानी उन्होंने क्या सुना, सुशांत ने क्या कहा, वो सब भी जानना आप सीबीआई जरूरी समझ रही है, इसीलिए कल पूछताछ हो सकती है ये जानकारी मिल रही है। आप सब रहिए हमारे साथ। वहीं क्या अब रिया चौकड़ी जाएगी जेल? जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार तीसरे दिन सीबीआई सुशांत केस की नंबर वन आरोपी रिया से पूछताछ कर रही है। करीब 1.5 घंटे से रिया से पूछताछ जारी है। पिछले 3 दिनों में सीबीआई अब तक रिया से 18 घंटे से ज्यादा की पूछताछ कर चुकी है। रिया के भाई शौविक से भी सीबीआई की पूछताछ जारी है और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी सवालों का सिलसिला लगातार जारी है, यानी सभी से पूछताछ हो रही है। न्यूज 18 को सीबीआई सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सीबीआई की तीन टीम सुशांत केस की पूछताछ में जुटी है। सीबीआई की एक टीम रिया से पूछताछ कर रही है जबकि दूसरी टीम वाटरस्टोन रिजॉर्ट के मैनेजर और कर्मचारियों से पूछताछ में जुटी है। ये वही रिजॉर्ट है, आपको बता दें, जहां पिछले साल नवंबर में रिया और सुशांत करीब 2 महीने तक रुके थे। वहीं सीबीआई की तीसरी टीम सुशांत के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा से पूछताछ कर रही है। तो ये तीन टीमें जो अलग अलग जगहों पर जाकर एक होटल पहुंची है जहां पर पूछताछ हो रही है, वहीं एक टीम जो है वो रिया से पूछताछ कर रही है, वहीं जो तीसरी टीम है वो सैमुअल मिरांडा से पूछताछ कर रही है। यानी अरुण, सीबीआई पूरी तरीके से जांच में फॉर्म में नजर आ रही है। तीन टीमें गठित की हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर पूछताछ करके कड़ियां जोड़ने की कोशिश सीबीआई की तरफ से। देखिए, निश्चित रूप से तीन टीमें उसने गठित की हैं, लेकिन आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो यही है। एक गाड़ी फिर, मैं आपको जरा तस्वीरें दिखाता हूँ, एक गाड़ी और यहाँ पर है। इसमें कौन है, उनकी पहचान तो नहीं हो पा रही है। क्या कोई इसमें जिनके ऊपर शक है वो हैं या कोई सामान्य व्यक्ति है? क्योंकि सीबीआई के जो अफसर हैं वो भी लगातार आते जाते रहते हैं इस गेस्ट हाउस में, डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि तीन टीम सीबीआई ने गठित की है, सीबीआई अब दूसरे पहलू को भी जानने की कोशिश कर रही है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती बार बार ये कह रही थी कि मुझसे जितने सवाल किए जा रहे हैं उतने ही सवाल सुशांत की बहन मीतू सिंह से भी किए जाने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आखिर के एक दिन छोड़ दें 13 तारीख, तो 12 तारीख तक, 8 से 12 तक मीतू सिंह ही उनके पास रही थी और उन्हीं के आने की वजह से सुशांत ने उनसे कहा था कि वो अपने घर चली जाएं। तो रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई के सामने भी ये बात कही थी कि मुझसे ज़्यादा उनको पता होगा कि लास्ट के 4-5 दिनों में सुशांत की मेंटल हेल्थ कैसी थी। सीबीआई इस बात की कोशिश में है कि आखिरकार परिवार के जो लोग, क्योंकि मीतू सिंह वही उनकी बहन सुशांत की, जो 8 तारीख से जब रिया घर छोड़कर गई तब से वो 12 तारीख तक सुशांत के साथ थी, आखिरकार उस वक्त सुशांत ने उनसे क्या कहा, इसीलिए पूछताछ का सिलसिला उनसे भी होगा। आप सब रहिए हमारे साथ। वहीं सीबीआई रिया से ड्रग्स के बारे में सवाल कर रही है, तो रिया के ड्रग्स कनेक्शन के पीछे एनसीबी ने भी बड़ी पड़ताल शुरू कर दी है। रिया की व्हाट्सएप चैट से एनसीबी ने मूवी माफियाओं को ड्रग्स बेचने वाले तस्करों को दबोच लिया। इनसे पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई और इनके बयानों के बाद रिया की अब जो मुश्किलें हैं वो बढ़नी तय है। साथ ही सिनेमा की कई मशहूर हस्तियां भी शिकंजे में फंस सकती हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो बॉलीवुड में बड़े बड़े सितारों को ड्रग्स बेचने का धंधा करते हैं। रिया चक्रवर्ती और उसके दोस्तों पर अब जांच का फंदा कसता जा रहा है। एनसीबी ने रिया के चैट्स के जरिए ड्रग्स के दलदल में उतरे लोगों को फंदे में लेना शुरू कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स एंगल की तफ्तीश करने
दिल्ली से मुंबई पहुंची एनसीबी की टीम अब एक्शन मोड में आ गई है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा की अगुवाई में मुंबई में आज एक बड़ी रेड की गई और दो ड्रग्स सप्लायरों को गिरफ्तार किया गया। इन ड्रग्स सप्लायरों से पूछताछ में ड्रग्स के एक नए पैटर्न का पता चला है। यही नहीं, मुंबई में डार्कनेट के जरिए कैसे ड्रग्स सप्लाई होती है इस बात का खुलासा भी ड्रग्स सप्लायरों ने किया है। यही वजह है कि अब एनसीबी लगातार मुंबई और महाराष्ट्र में बड़े ड्रग डीलरों पर छापेमारी की कार्रवाई में जुट गई है। एनसीबी ने करण और अब्बास नाम के दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ड्रग तस्करों से एनसीबी ने पूछताछ भी की है। पूछताछ में ये पता लगाने की कोशिश की गई कि रिया चक्रवर्ती, शौविक, सैमुअल मिरांडा, गौरव आर्या, जया साहा और श्रुति मोदी से इन दोनों के कनेक्शन हैं या नहीं। रिया के ड्रग्स कनेक्शन का पता लगने के बाद ये भी सामने आने लगा है कि ड्रग्स माफिया की जड़ें फिल्मी दुनिया में कितनी गहरी हैं। न्यूज 18 ने शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन से इस बारे में जानने की कोशिश की। किसी ने जो है एज सच कुछ फोर्स नहीं किया है, बट आई हैव बीन टू अ कपल ऑफ यू नो बॉलीवुड पार्टीज ऑफ कोर्स, वेयर जहां पे मैंने ऑफ कोर्स ड्रग्स नोटिस किए हैं बहुत बड़े लेवल पर। और यू नो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देयर आर सम सर्कल्स वेयर अगर आप जो है ड्रग्स ना ले, अल्कोहल ना पिए, सिगरेट ना पिए, तो आप जो है कूल नहीं माने जाते, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप और दैट क्लैन। तो ये डेफिनेटली मैंने जो है महसूस किया है लाइफ में। इसलिए अगर आप देखें कि मैंने ओवर द इयर्स हमेशा जो है मैं बहुत सारी फिल्मी पार्टी से हमेशा दूर रहा हूँ जी, बिकॉज आई फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल बीइंग देयर बिकॉज आई हैव नेवर डन ड्रग्स। मैं अल्कोहल कभी कभी पीता हूँ लेकिन मैं ड्रग्स कभी नहीं किया लाइफ में। रिया ने सुशांत के बारे में दावा किया था कि वो डिप्रेशन में थे और लगातार दवाएं लेते थे, लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने सुशांत के उस शख्स को खोज निकाला है जो रिया के सामने आने से पहले सुशांत के साथ काम करता था। पंकज सुशांत के स्पॉट बॉय रह चुके हैं। पंकज समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने मार्च 2019 से लेकर अगले दो महीने तक सुशांत के साथ काम किया है। पंकज सुशांत सिंह राजपूत की निजी जरूरतों का ध्यान रखते थे और जब तक सुशांत जागे रहते वो उनके साथ ही रहते थे। पंकज के मुताबिक सुशांत कभी कोई दवा नहीं लेते थे, बहुत कम सोते थे, वो 24 घंटे में 2 या 3 घंटे ही सोते थे, तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाता था उनके साथ, यानी सेट पे भी करना, घर पे भी टेबल टेनिस खेलना या फिर स्विमिंग या फिर कुछ भी टेलीस्कोप लगा के चांद या फिर ये सब देखना। रात को 1:30-2 बजे तक सोते थे और सुबह 4 बजे जग जाते थे। सुशांत की जिंदगी से जुड़े अलग अलग लोग रिया से अब तक के बयानों के गलत होने का दावा कर रहे हैं और अब जांच एजेंसियां भी रिया के बयानों से संतुष्ट नजर नहीं आ रही हैं। रिया के बयान भी अलग अलग मौकों पर अलग अलग दिख रहे हैं और यही अलग अलग बयान रिया के लिए मुसीबत बनने वाले हैं। सुशांत केस की असल सच्चाई तो पॉलीग्राफ टेस्ट में सामने आ सकती है, लेकिन फिलहाल न्यूज 18 इंडिया ने इस केस से जुड़े कुछ ऐसे अहम लोगों से बात की जो रिया के ड्रग्स कनेक्शन का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। इनका दावा है कि ड्रग माफिया के साथ रिया के पुराने रिश्ते थे। सबूत के तौर पर सुशांत के परिवार ने नए चैट सामने रखे जो साबित करते हैं कि रिया और उसके दोस्त ड्रग्स के काले धंधे में लगे थे। इसके साथ ही सुशांत के साथ जुड़े एक और अहम शख्स ने न्यूज 18 को बताया कि रिया ने कैसे सुशांत को ड्रग्स देकर मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया। इस केस से जुड़े ये वो लोग हैं जो अब तक सामने नहीं आए थे। सुशांत केस में नया खुलासा। ड्रग के काले धंधे में रिया। न्यूज 18 इंडिया पर सुशांत केस का अहम गवाह। वो सुशांत सिंह राजपूत को नशीली चीज दे रही है। नशीली चीज का मतलब क्या था कि आप ड्रग्स दे रहे हो। रिया के ड्रग कनेक्शन का लिखित सबूत। रिया के खिलाफ जैसे जैसे जांच तेज होती जा रही है वैसे वैसे कई अहम सबूत और गवाह सामने आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के बारे में न्यूज 18 को ऐसी अहम जानकारी मिली है
जो इशारा कर रही है कि रिया के तार ड्रग्स माफिया के साथ बहुत गहरे जुड़े थे। इस जानकारी से पता लगता है कि रिया के दोस्त भी ड्रग्स के धंधे में थे। न्यूज 18 इंडिया को रिया की कुछ और व्हाट्सएप चैट भी मिली है। इस चैट में रिया किसी आयुष नाम के अपने जानकार से बात कर रही है। इस चैट में स्टफ यानी किसी नशीले पदार्थ की बात हो रही है, साथ ही साथ सामान डिलीवर करने को भी कहा गया है। इस चैट में रिया, उसके भाई शोविक और मिरांडा, ये तीनों भी ड्रग्स की बात कर रहे हैं और इसके अलावा ड्रग्स की फोटो भी शेयर की गई है। अब इसी आधार पर एनसीबी इन सभी की तहकीकात करेगी। ये चैट NIFW नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में किया गया है, जिसमें आयुष नाम का एक शख्स, आनंदी और रिया भी मेंबर हैं। इस चैट में ड्रग्स का जिक्र साफ साफ है। ये चैट 30 जुलाई 2019 की है। इसमें रिया ने लिखा है कि डूबी यानी नशे की सिगरेट की जरूरत है। आयुष नाम का शख्स जवाब देता है कि रोल कर रहा हूं। इसी ग्रुप में सिद्धार्थ पिठानी ने लिखा कि मिरांडा यहां आ गया है। इसके बाद आयुष ने लिखा कि वाटरस्टोन रिसोर्ट की बुकिंग आज कैंसिल कर दी है। इसके बाद रिया ने जवाब दिया कि मैं बाहर हूं, थोड़ी देर में वापस आती हूं। प्लीज किसी को लिफ्ट का दरवाजा लॉक करने ऊपर भेजो और सुशांत के लिए टैंगो भेजो। क्या हमारे पास डूबी यानी नशे की सिगरेट है? आयुष ने जवाब दिया कि रोल करके ला रहा हूं। इस चैट में वाटरस्टोन का जिक्र किया गया है। ये वही रिसोर्ट है जिसमें 2 महीने रहने के बाद सुशांत सिंह राजपूत अपने परिवार से एकदम कट गए थे। इस चैट में साफ साफ जिक्र है कि रिया चक्रवर्ती नशे के सामान के बारे में आयुष नाम के शख्स से बात कर रही हैं। अटकलें हैं कि आयुष नाम का शख्स कोई ड्रग डीलर हो सकता है। अब जरा सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा के इस चैट को देखिए। ये चैट 14 अगस्त 2019 की है, जिसमें सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा लिखता है कि प्लीज अशोक को कॉल करो। जिस शख्स को मैसेज किया गया है वो जवाब देता है, स्टफ के लिए ना। इसके बाद सैमुअल ने लिखा, हाँ हमारे पास अब और नहीं है। जिसके बाद दूसरी ओर से शख्स ने जवाब दिया, ठीक है इस काम पर लगता हूँ। सैमुअल ने फिर लिखा, सिर्फ एक ट्यूब बचा है। इस बातचीत के साथ ही सैमुअल मिरांडा ने एक ड्रग्स की फोटो भी शेयर की है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के मामले में बुरी तरह फंसती नजर आ रही हैं। रिया से हुई पूछताछ में सीबीआई ने कड़ाई से ड्रग्स के बारे में उनसे सवाल पूछे, जिनके जवाब देने में रिया के पसीने छूट गए। हम आपको दिखाते हैं कि रिया से सीबीआई ने क्या सवाल किए और ऐसे ही कुछ सवाल न्यूज 18 ने रिया से किए थे तो उन्होंने क्या जवाब दिया था। Isn't this in complete contrast to what you have been saying that you have never consumed drugs? I have absolutely never consumed drugs and I deny this conversation and I would like to save this because I'm abhi bhi mera investigation hone wala hai NCB ke saath aur yahan main kuch bhi statement dungi it can affect the investigation there but I am willing for a blood test and I completely stand by the fact that I do not consume any kind of drugs. रिया ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में सुशांत के बारे में दावा किया था कि वो मैरिजुआना यानी गांजा पीते थे। I'm honestly it's really sad to say पर ये जो कंजम्पशन है ड्रग्स का और ये जो कंजम्पशन है मैरिजुआना का, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहां थे वो इस बात को भी बता पाएंगे। लेकिन इस शख्स का दावा है कि रिया ने सरासर झूठ बोला है। ये शख्स हैं सुशांत के जिम ट्रेनर और पार्टनर सुनील शुक्ला। सुनिए, सुनील ने जो बताया वो रिया के झूठ का पर्दाफाश करने वाला है। जिम में उनका आने का टाइम फिक्स था क्योंकि ट्रेनर होते, ट्रेनर का कैसा हो है कि उनको हर एक क्लाइंट को टाइम देना पड़ता है तो उतने टाइम में आपको वर्कआउट करना है। वो ट्रेनर ऐसा नहीं उनके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, खा रहा है, ऐसा नहीं था। तो ट्रेनर का टाइमिंग होता है तो उनका जिम में आने का टाइमिंग पक्का था, वो टाइम पे आते थे और उनका वर्कआउट का शेड्यूल बताता हूँ मैं। वर्कआउट वो कैसे करते, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होता है ना उस तरह का वेट उठाते और ब्रूसली जैसा स्टंट्स करते, जो समर सॉल्ट आपने देखा होगा जो उछल के जमीन पे जाके उड़ते हैं, ये वो करते थे। और कभी वो लेट भी सो जाए ना, सुबह वो टाइम पे आते थे और टाइम पे आ रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं, उनके आंख से देख के समझ जाएगा अरे ये ड्रग्स लिया, दूसरा ड्रग्स लिया हुआ आदमी तो सुस्ती में रहेगा, वो वर्कआउट ट्रेनिंग कैसे करेगा। तो ये जो भी बोल रहे हैं कि ये ड्रग्स ले रहे थे ये सरासर झूठ है, ये प्लांटेड थ्योरी है।
एनसीबी भी रिया और उसके दोस्तों के इस चैट के बारे में पूछताछ करेगी। दरअसल कोई भी लिखित बातचीत को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जाता है और ये चैट साबित करती है कि रिया का कुछ तो ड्रग कनेक्शन है। सुशांत के जिम पार्टनर का दावा भी यही है कि रिया ने धोखे से सुशांत को ड्रग्स दिए। स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि वो सुशांत सिंह राजपूत को नशीली चीज दे रही है। नशीली चीज का मतलब क्या था कि आप ड्रग्स दे रहे हो, ये मैं पहले नहीं बोला ड्रग्स। कारण है क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि रिया चक्रवर्ती ड्रग पेडलर है, ड्रग्स में डील करती है, ड्रग्स दे रही है, तो ये हो जाएगा कैरेक्टर असैसिनेशन आप कर रहे हो। तो मैं बार बार हर एक चैनल में स्टार्ट से बोलते आ रहा हूँ, वो नशीली चीज़ दे रही है। जो आदमी ना हुष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, वर्कआउट करता है, 8 पैक आया हुआ आदमी सुस्त होकर घर पर सो रहा है, कैसे सोएगा जब तक आप उसको कोई मात्रा में आप वो चीज़ नहीं दे रहे हो। तो रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी खुद, ये उजागर हो गया ईडी के इसमें कि वो 2017 में एमडी लेती थी जो हार्ड ड्रग है। उसके बाद 2019 में आप 4 बूंद आप कॉफ़ी में कैफीन में डाल के दीजिए और आधे घंटे बाद किक आएगा। ये किसको देने की बात हो रही है? सुशांत को। रिया चक्रवर्ती पर जांच का घेरा कस रहा है और नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, सिद्धार्थ पिठानी, सैमन मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, नीरज सिंह और दीपेश सावंत को आमने सामने बैठाकर क्रॉस एग्जामिन कर सकती है सीबीआई। और दरअसल ये कोशिश है कि आखिरकार जो लोग ही अलग अलग बयान दे रहे थे, क्या वो वाकई उसमें सच्चाई है। और इसीलिए अब ये तय हुआ है सीबीआई की तरफ से कि सिद्धार्थ पिठानी, सैमन मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, नीरज सिंह और दीपेश सावंत को आमने सामने बिठाकर क्रॉस एग्जामिन यानी उनसे पूछताछ सीबीआई अब कर सकती है, ये जानकारी मिल रही है। दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। दिवाकर, क्या जानकारी मिल रही है, इन लोगों को साथ बैठाकर अब पूछताछ होगी? देखिए बिल्कुल, सीबीआई किसी भी एंगल को छोड़ना नहीं चाहती है और ये जो 5 शख्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे केस की। सिद्धार्थ पिठानी जो पहले हाउस मैनेजर रह चुके थे सुशांत सिंह राजपूत के, उनके जाने के बाद फिर सैमुअल मिरांडा आता है और सैमुअल मिरांडा की करीबी जो है वो रिया चक्रवर्ती से हो जाती है। और साथ तौर पर नीरज जो कुक है, जो कि 14 जून को भी उस वक्त मौजूद था जो है घर में जब सुशांत की मौत की खबर आई। इसके अलावा दीपेश सावंत मौजूद था और शौविक चक्रवर्ती एक अहम कड़ी इस पूरे मामले में है। और साथ साथ क्योंकि ये क्रॉस एग्जामिन करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी को जिस तरह से खबर आई थी कि सीबीआई अप्रूवर बनाने की तैयारी में लगी हुई है, और ऐसे में जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी ने कल खुलासा किया कि आखिर शौविक चक्रवर्ती के ऊपर कितने पैसे खर्च किए जाते थे, उनके सुशांत के अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते थे, रिया लगातार जो है सुशांत के पैसे उड़ा रही थी, ये तमाम जो खुलासे सिद्धार्थ पिठानी ने किए हैं उसको लेकर अब सीबीआई जो है सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह क्योंकि बहुत करीबी था सुशांत सिंह राजपूत के, तो ये तमाम लोगों से क्रॉस एग्जामिन की तैयारी सीबीआई कर चुकी है। और जानकारी जो मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि आज ही ये क्रॉस एग्जामिन हो सकती है। ठीक है, दिवाकर, आप रहिए हमारे साथ। सिर्फ रिया ही नहीं, सुशांत मौत केस में एक और अहम किरदार सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर भी सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई लगातार सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ कर रही है। कल हुई पूछताछ में सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी से 8 से 14 जून के बीच हुई घटनाओं के बारे में पूछा। यही नहीं, सीबीआई ने पिठानी से सुशांत के पैसों के बारे में भी पूछा कि क्या रिया उनके पैसे खर्च करती थी, ये सवाल भी सीबीआई की तरफ से सिद्धार्थ पिठानी से पूछे गए। वहीं सीबीआई ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से 8 जून से 14 जून तक घटने वाली घटनाओं के बारे में पूछा, जिस पर पिठानी ने बताया कि 8 जून को 11 बजे सुबह रिया घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद सुशांत की बहन मीतू सिंह उनके घर आई। 12 जून को मीतू सिंह भी अपने घर वापस चली गई। मौत से एक दिन पहले यानी 13 जून को सुशांत ने सभी बिलों का भुगतान किया, लेकिन उस रात सुशांत ने खाना नहीं खाया। पिठानी ने बताया पैसों की गड़बड़ी पर सुशांत सैमुअल मिरांडा से नाराज थे। अगली सुबह यानी 14 जून को सुबह 10:30 बजे केशव आया। केशव ने सभी को बताया कि सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। इसके बाद सभी ने मिलकर कई बार दरवाजा खटखटाया। तभी मीतू ने कॉल कर कहा कि सुशांत फोन नहीं उठा रहे हैं। दोपहर 1:20 पर ताला खोलने चाबी वाला रफी आया। ताला खुलने के बाद दीपेश और वो अंदर गए, जहां उन्होंने कमरे के अंदर सुशांत को पंखे से लटका हुआ पाया। शौविक के लिए सुशांत के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होते थे। सुशांत के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर पूरे परिवार के लिए, न सिर्फ शौविक के लिए, पूरे परिवार के लिए भी कई बार हुए हैं। अरुण,
यानी ये अहम खुलासे जो हैं वो सिद्धार्थ पिठानी अब कर रहा है, जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रहा है कि पैसे के ट्रांसफर होते थे, पैसे के लेन देन और पैसों की गड़बड़ी के मामले पर वो सैमन मिरांडा से भी सुशांत नाराज थे। देखिए निश्चित रूप से सिद्धार्थ पिठानी सबसे महत्वपूर्ण गवाह इस पूरे वाकये का है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी के मुताबिक उसने जो सीबीआई से कहा है वो कि 13 और 14 की दरमियानी रात को सुशांत सिंह राजपूत ने ये कहा था कि तुम मेरे साथ ही सो, बेडरूम में ही सो। तो सबसे बड़ा राजदार अगर उस रात का कोई है तो सिद्धार्थ पिठानी है। लेकिन सवाल उस पर कई उठते हैं। खुद सुशांत के जीजा ने आरोप लगाया था कि पुलिस का इंतजार करने की बजाय सिद्धार्थ पिठानी ने चाबी वाले को बुलवा करके पहली बात तो दरवाज़ा क्यों खुलवाया, दूसरी बात है कि शव को पंखे से नीचे क्यों उतार दिया। कई लोगों को ये शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि एविडेंस जो है उनको खत्म करने की साजिश थी, उनको मिटाने की साजिश थी। सिद्धार्थ पिठानी ये आरोप अब लगा रहे हैं कि सैमुअल मिरांडा मैनेजर ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी की कोशिश की और इसको लेकर के सुशांत उनसे नाराज थे। अब तक जितनी बातें हुई तब तक उन्होंने ये आरोप क्यों नहीं लगाया। तो सिद्धार्थ पिठानी कुछ देर के लिए सीबीआई के दफ्तर भी गए थे यहाँ पर मुंबई में, उस बीच ये खबर थी कि हो सकता है कि वो अप्रूवर बन जाएं, सरकारी गवाह जो वादा माफ गवाह होता है वो बन जाएं। अगर सिद्धार्थ पिठानी ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है इसकी परतें खुलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे नज़दीक सबसे बड़ा राजदार सिद्धार्थ पिठानी भी वही इस पूरे मामले में है। बिल्कुल अरुण, रहिए आप हमारे साथ। तो जिस तरीके से अरुण जानकारी दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ही तमाम राज खोल सकता है, चाहे वो रिया से जुड़े हुए हों, अकाउंट से जुड़े हुए हों, सुशांत के मेंटल स्टेटस से जुड़े हुए हों, ये सारी परतें जो हैं वो दरअसल सिद्धार्थ पिठानी ही खोल सकता है। वही सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई मुंबई पुलिस से दिशा सालियान मौत के मामले में दस्तावेज मांग सकती है। सीबीआई पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने कबूल किया कि दिशा की मौत के बाद सुशांत काफी ज्यादा परेशान थे। सिद्धार्थ के मुताबिक उसने सुशांत के कहने पर हार्ड डिस्क से सारे डेटा डिलीट किए थे। सीबीआई सुशांत और दिशा की मौत के मामले की कड़ी का पता लगाने में भी जुटी हुई है। आपको बता दें क्योंकि 8 तारीख जिस दिन रिया घर छोड़कर सुशांत का गई, उसी दिन दिशा सालियान जो कि एक्स मैनेजर रही सुशांत की, उनके आत्महत्या की खबर आती है। और इस पूरे मामले पर अब दरअसल सीबीआई पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने यह कहा है कि दिशा की मौत के बाद सुशांत काफी ज्यादा परेशान थे। सिद्धार्थ के मुताबिक उसने सुशांत के कहने पर हार्ड डिस्क से सारे डेटा जो थे उसको डिलीट किया। तो न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सुशांत सिंह पैसों के लेन देन के मामले में सैमुअल मिरांडा की हरकतों से परेशान था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि 13 जून को सुशांत ने खुद अपने सारे बिल भरे और उस रात खाना भी नहीं खाया, और उसके बाद 14 जून को जब सिद्धार्थ और दूसरे लोगों ने सुशांत का बेडरूम खोला तो उनके कमरे की लाइटें बंद मिली थी। तो आपको बता दें जो जानकारी सिद्धार्थ पिठानी दे रहा है, जो जानकारी कड़ियों के माध्यम से जुड़ती हुई सामने आ रही है, दरअसल उसके मुताबिक ये एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं, सुशांत सिंह पैसों के लेन देन के मामले में सैमुअल मिरांडा की हरकतों से परेशान थे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि 13 जून को सुशांत ने खुद अपने सारे बिल भरे और उस रात खाना भी नहीं खाया, और उसके बाद 14 जून को जब सिद्धार्थ और दूसरे लोगों ने सुशांत का बेडरूम खोला तो उनके कमरे की लाइट बंद मिली थी। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक जो परत है वो उठते हुए नजर आ रही है, जिसमें ये अब बताया जा रहा है कि सैमुअल मिरांडा एक बड़ा नाम है। क्या जो शक गहरा रहे थे कि कुछ पैसे इधर उधर हो रहे हैं, तो क्या अब ये तार सैमुअल मिरांडा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि वही वो थे जो पैसे को इधर उधर किया करते थे? बिल्कुल, सैमुअल मिरांडा एक बेहद अहम कड़ी है, खास करके अगर ड्रग्स के चैटिंग को लेकर के जिस तरीके से रिया की बात सामने आई थी उसमें भी सैमुअल मिरांडा का नाम सामने आया था पैसे देने को लेकर के। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है, जिस तरीके से सैमुअल मिरांडा के ऊपर तमाम सारे लोगों के पूछताछ में ये बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के जो हिसाब किताब रखने का काम था उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी दिखाई पड़ रही थी, उसको लेकर के भी पूछताछ होगी। और अभी बड़ी खबर ये है, मैं बता दूं कि वाटर स्टोन रिसोर्ट के लोगों से पूछताछ के बाद जो उनकी पूछताछ में तथ्य निकल के सामने आए हैं उन सारी चीजों को लेकर के अब क्रॉस एग्जामिन कर रही है रिया का, सीबीआई रिया का क्रॉस एग्जामिन कर रही है। वाटर स्टोन रिसोर्ट से जुड़े जो भी लोग थे, उनके मैनेजर थे, उनके स्टाफ थे,
जो वहां पर उस समय में सुशांत से रिलेटेड लोग थे उन सारे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था। और उसके बाद फिलहाल अभी क्रॉस एग्जामिन शुरू है यहां पर, और ताकि रिया से ये पूछताछ में पता लगाया जा सके कि आखिर ये किस तरीके से वहां पर कितने दिनों तक ठहरे और क्या क्या चीजें, दवाइयां हों या दूसरी सारी चीजें हों, क्या क्या चीजें वहां पर चल रही थी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कौन आया गया था, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। और बिल्कुल बात कर रहे हैं, अब सुई जो है वो सैमुअल मिरांडा की तरफ घूमती नजर आ रही है शक की, और अब देखना होगा कि वो पूछताछ में किन बातों का खुलासा करता है। आप सब रहिए हमारे साथ।